हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पेंसिल बायोलॉजी। आज का जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि रेगुलर पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें रेगुलर पीएचडी कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने एमएससी पास कर लिया, यानी कि एमएससी पास आउट वाले स्टूडेंट रेगुलर पीएचडी कर सकते हैं। वहीं फिर टॉक अबाउट इंटीग्रेटेड पीएचडी, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी कौन से स्टूडेंट्स कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो बीएससी पास आउट है, यानी कि यहां पर 10+2+BSc चाहिए, यहां पर 10+2+BSc+MSc चाहिए। अगर हम यहां पर रेगुलर पीएचडी की बात करें तो रेगुलर पीएचडी में जो ड्यूरेशन होता है वो 3 इयर्स का होता है, लेकिन 3 इयर्स का मिनिमम ड्यूरेशन है, इसमें आपको नियरली अबाउट 5 साल तो लग ही जाएंगे। वही इंटीग्रेटेड पीएचडी अगर हम देखें तो उसमें 5 इयर्स लगते हैं, लेकिन 5 इयर्स में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, दो कोर्सेज को साथ में पढ़ रहे हो, यानी कि इसमें आप एमएससी भी कर रहे हो और उसके साथ साथ आप पीएचडी भी कर रहे हो, आप दोनों साथ में कर रहे हो तब आपको 5 साल लग रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप पीएचडी कर रहे हो तब आपको 5 साल लग रहे हैं। अगर हम दोनों के बारे में देखें तो यहां पर जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज होती है वो आपसे एमएससी में मिनिमम 55% मांगती है। सेम यहां पर भी जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज होती हैं वो बीएससी में भी आपसे मिनिमम 55% ही मांगती हैं। दोनों के लिए आपको बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे प्रेजेंट है जिनको आपको क्लियर करना होगा, कोई भी एक आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम रेगुलर पीएचडी के लिए लिए तो जो सबसे कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है वो है सीएसआईआर नेट, उसके अलावा गेट एग्जाम होता है, उसके अलावा टिफर होता है, उसके अलावा डीबीटी होते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन है जो लिए जाते हैं जिससे आपको रेगुलर पीएचडी में एडमिशन मिल सकता है और उसी के साथ साथ आपको स्टाइफंड भी मिलता है, स्पेशली सीएसआईआर नेट में यूजीसी की तरफ से। वही अगर हम यहां पर देखिए, अगर आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपके लिए बहुत सारे पेपर्स प्रेजेंट है, जिनमें से जो सबसे बेस्ट है, जो सबसे पॉपुलर अगर हम बोलेंगे तो आईआईटी जैम सबसे पॉपुलर होता है, जिससे आपको आईआईटीज में और आईआईएससी में एडमिशन मिल जाता है। उसी के अलावा बहुत सारी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, टॉप यूनिवर्सिटी है जो यहां पर इंटीग्रेटेड पीएचडी देती है, जैसे कि टिफर, जैसे कि आईसर और आईआईएससी, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा, और इसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज इंडिया में अवेलेबल है जो कि इंटीग्रेटेड पीएचडी का कोर्स देती है। अगर हम यहां पर दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले फिर टॉक अबाउट रेगुलर पीएचडी, तो रेगुलर पीएचडी में जैसा कि मैंने कहा कि आपको 7 इयर्स आराम से लग जाएंगे एमएससी प्लस पीएचडी में, यानी कि काफी लंबा टाइम लग गया। वहीं अगर हम इंटीग्रेटेड पीएचडी में देखें तो इसमें आपको कम टाइम लगता है, इसमें आपको 5 साल लगा, लेकिन किसका, एमएससी का मिला के प्लस पीएचडी का मिला के, दोनों को मिला के आपको 5 साल लगा। यहां पे अगर हम रेगुलर पीएचडी में देखें, आप अगर हम इन दोनों का हमने देख लिया कि इन दोनों में से जो रेगुलर पीएचडी है उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन इंटीग्रेटेड पीएचडी में कम टाइम लग रहा है। पर यहां पर अगर हम इंटीग्रेटेड पीएचडी के बारे में भी देखें तो इंटीग्रेटेड पीएचडी में एक ऐसा नुकसान है कि अगर आप एमएससी प्लस पीएचडी कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड कर रहे हैं, तो आपको यहां पर जो डिग्री होती है वो इन द एंड मिलेगी 5 साल के बाद, एमएससी के लिए भी और पीएचडी के बाद लिए भी। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी इश्यू हुआ या फिर आपका मन नहीं किया आपको किसी और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। अगर आप ड्रॉप कर लिया तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बैचलर्स की डिग्री के साथ ही रह जाएंगे, आपको एमएससी और पीएचडी में से किसी की भी डिग्री नहीं मिलेगी जब तक आप ये पूरा का पूरा ड्यूरेशन पूरा नहीं कर लेते। भले ही आपने पहले 2 साल कंप्लीट कर लिए, स्टिल आपको जो डिग्री है वो एंड में ही मिलेगी। यहां पर सेफर साइड ये होता है कि आपके पास एमएससी डिग्री पहले से प्रेजेंट है तो आप मास्टर्स कहलाएंगे, इफ अगर आपका पीएचडी करने का कंटिन्यू करने का मन नहीं किया फिर भी आप मास्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि पीएचडी का जो ड्यूरेशन होता है वो काफी लंबा होता है, उसके बीच में ऐसे कंडीशंस आ सकती है जिसमें हमें ड्रॉप करना पड़ सके। स्टिल अगर हम यहां पर आगे बात करें तो इंटीग्रेटेड पीएचडी में जो है उसमें आपको टाइम कम लग रहा है, वहीं रेगुलर पीएचडी में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है। इंटीग्रेटेड पीएचडी किन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, वो स्टूडेंट्स जो कि बिल्कुल श्योर है कि यस उनको पीएचडी करना ही करना है, क्योंकि अगर आप श्योर हो कि आपको पीएचडी करना ही करना है तो इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बच रहा है। वहीं रेगुलर पीएचडी कौन स्टूडेंट्स कर सकते हैं, सबसे पहले जिनका बीएससी में इतना स्ट्रांग होल्ड नहीं है, जो बेसिक्स है उनके इतने स्ट्रांग नहीं है, तो वो एमएससी का वो टाइम ले सकते हैं जिसमें वो अपने जो बेसिक्स वगैरह उन सबको बहुत अच्छे से स्ट्रांग कर सकते हैं। उसी के साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो कि अभी श्योर नहीं है कि उनको पीएचडी करनी है या उनको पीएचडी नहीं करनी है, हो सकता है कि एमएससी के बाद आप किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो, तो इसमें आपको आराम से सोचने का वो 2 साल का वक्त मिल जाता है जो कि आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी में नहीं मिलेगा। अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी से ड्रॉप होना चाहते हो तो फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री रह जाएगी, बट इफ यू आर श्योर तो आप इंटीग्रेटेड पीएचडी को चूज कर सकते हो, इसलिए इसमें आपको टाइम कम लग रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है।
दोनों के दोनों में आपको काफी यूनिवर्सिटीज जो है और इधर साथ ही साथ यूजीसी जो है वो स्टाइफंड देगी, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी के साथ साथ आप दोनों के दोनों को बहुत ही अच्छे यूनिवर्सिटीज के साथ कर सकते हैं। एक और डिफरेंस यहाँ पर ये आता है कि जब हम रेगुलर पीएचडी करते हैं तो रेगुलर पीएचडी में आप एमएससी का सब्जेक्ट और पीएचडी का सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी में आप जो एमएससी में चूज करते हो आपको वही पीएचडी में भी चूज करना है, इसलिए दोनों साथ में चलेंगे। हाँ, भले ही इंटीग्रेटेड पीएचडी में जो पहला साल और दूसरा साल होता है उसमें इतना आपको रिसर्च वर्क नहीं करना होता, स्टिल जो सब्जेक्ट्स होंगे वो ऑब्वियसली सेम होंगे क्योंकि वो इंटीग्रेट हो रखे हैं। तो अब आप देखिए, अगर आपका कभी आपने कोई सब्जेक्ट लिया लेकिन अब आपका मन नहीं कर रहा उसको पढ़ने का, तो पीएचडी में आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड पीएचडी में आप वो भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में जाना चाहते हो तो सोच के जाइएगा, जो सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से पसंद है आप श्योर उसी को ही लेकर फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी परस्यू कीजिए। और अगर अभी आप श्योर नहीं हो कि आपको क्या करना है तो आप एमएससी के साथ उसमें जा सकते हो। तो इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि आप किस तरीके से एनालाइज करना चाहते हो और किस तरीके से आप परस्यू करना चाहते हो। सो अगर हम देखें तो दोनों में ही आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको एमएससी के बाद एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको बीएससी के बाद ही एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। बट हाँ, यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बार एंट्रेंस एग्जाम देना है, वहीं अगर आपको यहाँ पर एमएससी में अच्छे कॉलेज में जाना है तो आपको बीएससी के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, वहीं एमएससी के बाद आपको पीएचडी के लिए सीएसआईआर नेट तो देना ही पड़ेगा। तो इधर आपको दो एग्जाम देने पड़ रहे हैं और इधर आपको एक एग्जाम देना पड़ रहा है। यहाँ पे दो एग्जाम देना ना देना आपकी इच्छा है। आप एमएससी के लिए पेपर देना चाहते हो एमएससी के एडमिशन के लिए तो आप दोगे, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे भी एक एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन जनरली अगर आपको एमएससी में अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी दोगे। दोनों में ही आपको इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पे आईआईटी जैम भी क्रैक कर लिया और यहाँ पे अगर आपने सीएसआईआर नेट भी क्रैक कर लिया, उसके बाद भी आपको जो है इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, और फिर उस हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में आपको इंटरव्यू देना पड़ रहा है, दोनों में आपको एग्जाम्स देने पड़ रहे हैं, बाकी सारी चीजें यहाँ पर सेम है। जब आप शुरुआत में जितना भी स्टार्ट करोगे एडमिशन देने के लिए वो सब सेम होगा, यहाँ पे सिर्फ एग्जाम डिफरेंट है और दोनों का ड्यूरेशन डिफरेंट होगा और दोनों में जो डिग्री मिल रही है यहाँ पे सिर्फ पीएचडी में मिलेगी और यहाँ पे आपको पीएचडी प्लस एमएससी की मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंस होगा। तो सोचिए आराम से, अगर आप बीएससी में तो अच्छे से सोचिए, इफ श्योर है गो फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी, इफ यू आर नॉट श्योर और आपके बेसिक्स अभी फिलहाल इतने अच्छे नहीं है आपको लग रहा है, तो यू कैन गो फॉर रेगुलर पीएचडी। सो आई होप गाइस दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।